गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम लोग न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले आप 2011 के प्रश्न पत्र को देखें, यहां पर आपको 14 न्यूमेरिकल्स प्रश्न पूछे गए थे। 2011 में 14 न्यूमेरिकल्स प्रश्न पूछे गए थे, तो निश्चित रूप से 2019 का जो एग्जाम हो रहा है यहां पर भी आपको न्यूमेरिकल्स प्रश्न पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो हम लोग अब शुरुआत करते हैं सभी यूनिट का एक एक करके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को समझने का। आज हम लोग प्रकाश से चलेंगे, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इस टॉपिक से जो प्रश्न आते हैं, न्यूमेरिकल्स प्रश्न आते हैं, इसको देखने का प्रयास आज हम लोग करेंगे। यदि आप देखेंगे प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इसमें लगभग 9 तरह के प्रश्न न्यूमेरिकल्स वाले बनते हैं, जिसमें पहला तरीका हो जाएगा, पहला प्रकार का हो जाएगा फोकस दूरी आपसे पूछ लिया जाए, वक्रता त्रिज्या पूछ लिया जाए, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की साइज और वस्तु की दूरी। यह लेंस में भी हो सकता है या दर्पण में भी हो सकता है। इसके बाद या तो आपसे आवर्धन पूछ लेगा, या फिर माध्यम में प्रकाश की चाल पूछ लेगा, या अपवर्तनांक पूछ ले सकता है, या लेंस की क्षमता पूछ ले सकता है। जो 2011 में पूछा गया था इस यूनिट से, इस टॉपिक से, यह था लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता था। तो हम लोग आज कंप्लीटली इस यूनिट को पूरा देखेंगे, अंत तक बने रहें, कोई भी डाउट आपका मतलब नहीं रहेगा, सब डाउट को हम लोग क्लियर कर देंगे और आपका ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले दर्पण के चिन्ह परिपाटी को समझना पड़ेगा, दर्पण की चिन्ह परिपाटी को समझना पड़ेगा। चिन्ह परिपाटी को समझने के लिए आप एक दर्पण ले लें, चाहे वह अवतल दर्पण हो या इसके जगह उत्तल दर्पण हो। इसमें हमेशा जो प्रतिबिंब लेना है वह दर्पण के बाईं ओर, इधर बाईं ओर हुआ, बाईं ओर मतलब यह सामने हो गया, दर्पण के सामने, इसको आप सामने भी कह सकते हैं। दर्पण के सामने का ये जो दूरी होता है यह हमेशा ऋणात्मक होगा, यह हमेशा ऋणात्मक होगा। जैसे वस्तु की दूरी, यदि वस्तु की दूरी पूछा जाए या प्रतिबिंब की दूरी पूछा जाए या लिखा जाए, तो वहां पर आप हमेशा वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी आप हमेशा माइनस में डिनोट करेंगे, माइनस 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 मीटर, जो भी कुछ है ये आप माइनस के साथ लिखेंगे, क्योंकि यह सामने रहता है इसलिए, और सामने की दूरी माइनस आता है, सामने की दूरी माइनस आता है। प्रतिबिंब, ये बीम कहें या वस्तु कहें, एक ही चीज होता है, दोनों की दूरी माइनस में लिखेंगे क्योंकि यह सामने होता है। यदि इसकी प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बन रहा हो या बनता हो तो दर्पण के पीछे के चिन्ह को प्लस कहेंगे। यदि आपका आंसर प्लस में आ गया तो आप कहेंगे कि इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो यहां पर मैं यह बताने का कोशिश कर रहा हूं कि वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी यदि दर्पण के पीछे कहा जाए, प्रतिबिंब की दूरी, तो आप प्लस में लिखेंगे, या प्रतिबिंब की दूरी सामने कहा जाए तो माइनस लिखेंगे। कोई भी चीज सामने हो तो वो माइनस लिखा जाएगा दूरी, चाहे वह वस्तु की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी है।
तो आप यहां पर समझे। अब दूसरा चीज, अब ऊंचाई की बात, यदि हम ऊपर की बात करें, यदि ऊपर की ओर बात करें तो यह प्लस जाता है, यह प्लस, जैसे वस्तु की ऊंचाई प्लस, वस्तु की ऊंचाई प्लस हुआ। यदि इसकी प्रतिबिंब नीचे बना हो तो माइनस, इसका प्रतिबिंब यदि इस तरह से बन रहा है तो इसको हम माइनस लेंगे, लेकिन यदि यह प्रतिबिंब ऊपर बने तो माइनस। तो हमने क्या देखा, दो चीजें देखा, एक चीज सामने दर्पण के सामने माइनस, दर्पण के पीछे प्लस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। अब प्रश्न में यह चीज आपको ढूंढना पड़ेगा, प्रश्न में यह चीज आपको ढूंढना पड़ेगा कि जो प्रतिबिंब है यह दर्पण के पीछे बन रहा है या आगे बन रहा है। यदि आगे बन रहा है तो उसमें माइनस देंगे, पीछे बन रहा है तो प्लस देंगे। प्रतिबिंब नीचे बन रहा है या ऊपर बन रहा है, यदि ऊपर की ओर सीधा है तो प्लस, उल्टा है तो माइनस। इसको जब हम लोग बनाने शुरू करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न पर जाते हैं, एक एक करके क्लियर करते हैं। यहां पर एक प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? आपको फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है ये आपको जानना पड़ेगा। जब भी आप देखेंगे फोकस दूरी f बराबर r बटे 2 होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है कि फोकस दूरी बराबर त्रिज्या को 2 से भाग कर देते हैं या इसको आधा कर देते हैं। तो यहां पर त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 10 सेंटीमीटर आया, फोकस दूरी आपका 10 सेंटीमीटर आंसर आ गया। जब भी फोकस दूरी की बात हो तो त्रिज्या की आधी कर देना है, त्रिज्या की आधी कर देना है। और त्रिज्या की बात हो, त्रिज्या निकालने के लिए कहा जाए, त्रिज्या निकालने के लिए कहा जाए तो 2 को और फोकस को गुना कर देना है, फोकस को डबल कर देना है। तो यहां पर हम लोगों ने दो चीजें सीखा, फोकस दूरी निकालने के लिए और त्रिज्या निकालने के लिए। फोकस दूरी निकालने के लिए त्रिज्या को आधा कर देना है, त्रिज्या निकालने के लिए फोकस दूरी को दुगुना कर देना है। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये देखिए दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न में तीन चीजें पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की साइज। एक चीज आप जानिए कि इतनी लंबी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहां कंसेप्ट आप तीनों चीज यदि निकाल लेंगे तो कोई भी चीज पूछा जाए आप आराम से आंसर देंगे। चलिए हमने क्या बताया है कि बाई ओर वस्तु रहेगा, यहां पर ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो मान लीजिए यहां पर उत्तल दर्पण है, यह उत्तल दर्पण है, होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। चलिए इसकी वक्रता त्रिज्या हम मान लेते हैं कि इसकी वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, इसके सामने वस्तु होगा, वस्तु यहां पर है, बस यहां पर है, बस यहां पर है, ये बस है, ये 5 मीटर है। अब चिन्ह परिपाटी देखिए,
वक्रता त्रिज्या इसमें पीछे बनता है, इसमें पीछे बनता है तो त्रिज्या में प्लस देंगे, और ये वस्तु सामने है सामने में माइनस देते हैं। चिन्ह दोनों में देखिए देने का तरीका, उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या पीछे बनता है, उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या पीछे बनता है, पीछे में प्लस देते हैं, वस्तु सामने रहता है इसलिए माइनस देते हैं। यहां पर त्रिज्या यार प्लस 3 मीटर हुआ और बीम की दूरी या वस्तु की दूरी u माइनस में 5 मीटर हो गया। ये दो चीज हमको दिया गया था, दो ही चीज दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम लोग फोकस दूरी निकाल लें, यहां पर फोकस दूरी निकाल लें। फोकस दूरी बराबर होता है r बटे 2, त्रिज्या का आधा, त्रिज्या है 3, इसका आधा करेंगे 1.5 मीटर होगा। ये हो गया आपका फोकस, फोकस निकल गया। फोकस क्यों निकाले, क्योंकि इन सब के लिए हमको दर्पण सूत्र उपयोग करना पड़ेगा और दर्पण सूत्र में एफ की जरूरत होती है, आर की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हमने एफ पहले निकाल लिया। अब यहां पर हम करेंगे दर्पण सूत्र से क्या होता है, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब यहां पर इसको बैठाएं, v का मान दिया हुआ नहीं है तो v का मान ये देखिए प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। एफ का मान निकला 1/प्लस में, और ये प्लस था तो उधर माइनस चला गया है, माइनस होगा, माइनस हो जाएगा। यू है 1/-, देखिए यू आपका माइनस में है इसलिए यहां पर आपको माइनस देना होगा, और ये प्लस से उधर ले गए थे इसलिए माइनस, ये 2 माइनस आया तो माइनस माइनस चिन्ह बदल करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसका भिन्न का जोड़ निकालिए और क्रॉस गुना करेंगे, जब गुना करेंगे तो भी का मान निकलेगा प्लस में 1.15 मीटर। अब हमको बताइए ये प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी प्लस में आया, देखिए सामने माइनस होता है और पीछे प्लस होता है, जब प्लस में आया मतलब प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, प्रतिबिंब पीछे किधर बन रहा है, पीछे बन रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। क्यों, क्योंकि प्लस आंसर आया, यदि माइनस आया रहता तो यहां पर हम कहते दर्पण के आगे प्रतिबिंब बन रहा है। एक चीज क्लियर हुआ। दूसरा चीज अब हम आवर्धन निकालते हैं, आवर्धन अब हम लोग आवर्धन निकालेंगे। आवर्धन निकालने के लिए दो तरीका है, एक होता है वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, या फिर माइनस भी बटे यू यानी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है इसलिए इसका उपयोग हम लोग आवर्धन निकालने के लिए नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, m यानी आवर्धन के लिए इसका उपयोग करेंगे, माइनस माइनस ये भी प्रतिबिंब की दूरी
हम लोगों ने 1.15 निकाल चुका है और u वस्तु की दूरी -5.00 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको जब डिवाइड आप करेंगे तो आएगा 0.23। यहां देखिए m से आवर्धन से हमें दो चीज की पता चलता है। सबसे पहले बताइए यह एक से बड़ा है या छोटा है। एक से छोटा है तो एक से जब बड़ा रहेगा तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। जब एक से छोटा रहेगा तो वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा। तो एक से यह छोटा है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है और प्लस आया, प्लस आया मतलब ये सीधा ये ऊपर, हम लोग ऊपर की दूरी को प्लस, ऊपर की दूरी को प्लस लिए थे इसलिए सीधा वस्तु से छोटा और सीधा बनेगा। यदि यही आंसर माइनस आया रहता तो वस्तु से उल्टा प्रतिबिंब रहता, प्रतिबिंब उल्टा रहता कब, जब माइनस रहता। तो क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, क्लियर हो रहा है। जब आंसर प्लस में आए तो जानिए ये ऊपर है मतलब सीधा है, जब आंसर माइनस में आए तो जानिए कि उल्टा है, प्रतिबिंब कैसा है सीधा है। वस्तु से बड़ा या छोटा यदि एक से कम। तीसरा प्रश्न देखें, कहते कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बीम, ये साइज का बीम है मतलब ये बीम की ऊंचाई बता रहा है, ये ऊंचाई है किसी इतना सेंटीमीटर फोकस दूरी, ये एफ है फोकस दूरी, अवतल दर्पण से 25.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। कोई बीम ये यू हुआ, ये यू हुआ, दर्पण के कितनी दूरी पर किसी पर्दे पर रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। यहां पर आपको प्रतिबिंब की दूरी पूछा जा रहा है, पर्दा कहां पर रखेंगे मतलब जहां पर फोकस ये जहां पर प्रतिबिंब बनेगा वहीं पर तो पर्दा रखेंगे। मान लीजिए ऊपर से कोई भी चीज गिर रहा है, आप इसको कैच करना है तो आप यहां पर हाथ रखेंगे तो ये आप कैच कर पाएंगे क्या, यहां पर लाना पड़ेगा ना। तो इसी तरह से पर्दा कहां पर रखेंगे, यदि यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है तो आपको यहां पर रखना पड़ेगा, यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है तो यहां पर रखना पड़ेगा, मतलब यहां प्रतिबिंब की दूरी एक तरह से पूछा गया है, प्रतिबिंब की दूरी पूछा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले एच लिखते हैं। एच ऊपर की ओर सीधा रहता है इसलिए इसमें चिन्ह प्लस पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर एफ दिया हुआ है, ये दर्पण है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का फोकस दूरी, फोकस दूरी सामने होता है इसलिए माइनस होगा, सामने की दूरी माइनस होती है हम लोगों ने देख चुका है तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। और नहीं, फोकस दूरी 15 है, देखिए यहां पर 15 है फोकस दूरी, और ये u है सामने वस्तु की दूरी सामने, माइनस होगा 25 सेंटीमीटर। ये तीन ही चीज हमारे पास दिया हुआ है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो प्रतिबिंब की दूरी निकालने के लिए भी निकालने के लिए दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या होता है, 1/v = आप उधर ले जाएंगे 1/f - 1/u होगा, ये इधर रहता है प्लस में लेकिन इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसको हल करिए, 1/v हमको निकालना है, f का मान माइनस
15 है, u का मान माइनस 25 है। अब इसको जब आप हल करेंगे तो v का मान माइनस 37.5 सेंटीमीटर आएगा। माइनस क्या बतला रहा है कि प्रतिबिंब भी सामने ही बन रहा है, प्रतिबिंब भी सामने बन रहा है, पीछे बनता तो प्लस रहता। तो प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने बन रहा है। यहां पर एक ये प्रतिबिंब की दूरी यानी पर्दे की दूरी कितना दूरी पर रखेंगे, ये आंसर आपका निकल गया। लेकिन आगे हम लोगों की प्रतिबिंब की प्रकृति निकालना है और साइज निकालना है। प्रकृति निकालने के लिए और साइज निकालने के लिए हम लोगों को आवर्धन की जरूरत होता है। तो m बराबर क्या होता है, h डैश h बराबर माइनस v बटा u। यहां पर देखिए m दिया हुआ नहीं है तो इसको हटा दीजिए। अब इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे, एच डैश हमको निकालना है, एच ऊंचाई सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं 4 है, भी कितना निकल चुका है -37.5। यहां पर यू -25 है, माइनस माइनस कट गया लेकिन एक माइनस रह गया। अब ये यहां पर गुना भागा में है तो ये गुना में आ जाएगा, ये हो गया। इसको कैंसिल जब आप करेंगे तो आंसर आपका -6.0 सेंटीमीटर आया। इससे हमको क्या क्या जानकारी मिल रहा है, जब माइनस में आया मतलब प्रतिबिंब उल्टा है, प्रतिबिंब क्या है उल्टा, प्रतिबिंब उल्टा है। प्लस आया रहता तो हम कहते प्रतिबिंब सीधा है, प्रतिबिंब यहां पर उल्टा है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई यही तो है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ये हुआ। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। मैं इससे इसमें सब प्रश्न को कैप्च नहीं ये नहीं कर पाया, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर के आऊंगा। दोस्तों यदि आप हमारे साथ जुड़ करके बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं एस्टेट 2019 जिसकी एग्जाम 28 जनवरी को होना है, यदि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मात्र 400 रुपये में आपकी बेहतरीन तैयारी होगी। तैयारी करने के लिए आप इस पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर अपना सब्जेक्ट लिख करके मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों मैं क्या करवा रहा हूं आप लोगों के लिए, आप देखें जो आपके 50 प्रश्न फिजिक्स के रहेंगे 2011 के अनुसार और अभी भी जो आपका सिलेबस इसके अनुसार 2011 का प्रश्न पत्र देखेंगे और अन्य राज्यों में जो हाई स्कूल की परीक्षाएं हो रही है वहां का प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 60% प्रश्न इजी रहते हैं, 30% प्रश्न कठिन थोड़े रहते हैं और 10% प्रश्न कंफ्यूजन पैदा करने वाले रहते हैं। 4-5 प्रश्न ऐसे रहते हैं जिसका आंसर में कंफ्यूजन होता है, लोगों को ए बी सी में लगेगा यह भी सही है यह भी सही है। तो मैं आप तो 60% प्रश्न को बढ़िया से कर रहे हैं लेकिन जो 30% और 10% है इस पर मैं आपका ज्यादा फोकस कर रहा हूं ताकि आपकी एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए। यदि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपको लाइव क्लास दूंगा, रिकॉर्डेड क्लास दूंगा, 20 प्रैक्टिस सेट दूंगा, साथ में 20 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ, साथ में हम आपका जनवरी 15 जनवरी के बाद से प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट देंगे जिससे अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं, किस तरह के प्रश्न आएंगे, हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए।
तो दोस्तों मैं समझता हूँ एक किताब के मूल्य का एक लागत है, केवल हम लोग लागत मूल्य पर हम आपको बेहतर ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो आपका सपना है एक सफल शिक्षक बनने का, एक सफल शिक्षक बनकर देश की सेवा करने का, वो आप कर सके। उसमें मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दे रहा हूँ, आपकी जो तैयारी है उसमें मैं आपकी बूस्टर कर दे रहा हूँ, आपकी तैयारी को धक्का मार दे रहा हूँ पीछे से, ताकि आपकी तैयारी और अधिक अच्छे ढंग से हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।